नमस्कार बच्चों, होप ऑल आर फाइन एंड सेफ। लेट्स गेट इन टू टुडेज टॉपिक एंड द टॉपिक इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज अ सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, फर्स्ट बीइंग रिक्रूटमेंट दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस क्लास। लेट्स सी व्हाट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल अप द वेकेंट पोस्ट। ठीक है बेटा, तो अभी हम देखेंगे कि उसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सी, डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग यानी कि क्या, मोस्ट प्रॉमिसिंग पर्सन, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो अब फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, फ्रॉम द पूल दैट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स और पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज वी हैव सिलेक्टेड। कहाँ पे सिलेक्ट किए थे हमने? रिक्रूटमेंट में। ठीक है, रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था? वी हैव इंड्यूस्ड पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब हमने किया था। तो उसमें हमने क्या किया था? वी हैव क्रिएटेड अ पूल ऑफ कैंडिडेट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हमने क्रिएट करके रखा है। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पूल ऑफ कैंडिडेट नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स और सूटेबल कैंडिडेट्स, जो कि हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो संभालने वाले हैं उसको परफेक्टली, इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली वो परफॉर्म कर पाए। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। नाउ लेट्स सी, इसमें जो नेक्स्ट एरिया है, जो इम्पॉर्टेंट एरिया है, दैट इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एरिया इन दिस सिलेक्शन। सो एट द एंड ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। सो इसमें क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन दे रिसीव, दे नाउ दे नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम दैट लार्ज बल्क ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, सो जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स हमने क्रिएट करके रखा है वो सबसे जो है एप्लीकेशन हमने रिसीव किया हुआ है। नाउ वी हैव टू टेक और सिलेक्ट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, सो एट द एंड ऑफ रिक्रूटमेंट आर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स। ओके, तो वो जगह से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो उसमें वी विल गो स्टेप वाइज वन बाई वन पॉइंट। वी हैव एट स्टेप्स टू कवर अप सो एज टू सिलेक्ट अ प्रॉमिसिंग और मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। सो वन बाई वन वो स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, बिफोर आई टेल दिस वन, सो सिलेक्शन प्रोसेस, एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ negative process, because in selection process the application received or rejected more than the selected candidates। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना भी एप्लीकेशन हमने रिसीव किया हुआ है उसमें वी यूज टू रिजेक्ट मोर एप्लीकेशन व्हेन वी डू सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन हम कम करते हैं, वेयर एज वी डू द रिजेक्शंस मोर। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू सिलेक्ट अ कैंडिडेट हु इज अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो इसमें वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट हु परफॉर्म द टास्क इन अ बेटर वे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें रिजेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, सो इट इज कंसिडर एज अ नेगेटिव प्रोसेस। वेयर एज हम लोग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों? बिकॉज यहां पे जो हम इंड्यूस करते हैं एम्प्लॉयज को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को इंड्यूस करते हैं सो दैट हम लोग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी रिसीव, क्योंकि हमको एक पूल क्रिएट करना है, उससे हम लोग बेस्ट चुनना है। सो रिक्रूटमेंट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज कंसिडर एज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज वी हियर वी रिजेक्ट द एप्लीकेशन इन मोर नंबर्स। नाउ की स्टूडेंट, सो जस्ट रिमेंबर दिस वन हियर। Now let's move on to the process. The first point is preliminary screening. This is the first step, and here it helps the manager to eliminate unfit, unqualified and undesirable persons from the organization, and all these eliminations will be done from the informations given or provided by the candidate from the application form. Okay, so all the informations, whatever he has given, if it is wrong,
ठीक है, हो सकता है कि उसका स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे है, या मैंडेटरी जो डिटेल्स चाहिए था उसने वो वहाँ पे नहीं दिया है, या एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट कम्प्लीट. सो बी ड्यू टू दैट वन हिज एप्लीकेशन और हिज कैंडिडेटर में बी कैंसल्ड. ओके, सो ऑल दिस प्रोसेस, द प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग है दैट विल बी डन बाई HR मैनेजर और HR कमिटी. ओके, ये जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन आया हुआ है इनिशियल स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, यानी कि जो इंटरव्यू है वो सब नेक्स्ट स्टेप में आएगा. ओके, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या हो रहा है, फर्स्ट वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन हम चेक कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिटेल, करेक्ट डिटेल्स इज देयर. करेक्ट डिटेल्स जो नहीं है उसको इमीडिएटली वहीं पे फर्स्ट नज़र में ही वहीं पे उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं. ओके, सो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो दैट एप्लीकेशन विल बी टेकन टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज selection test. So here we are going to do selection test. ठीक है, हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. What is this selection test? Selection test is actually a mechanism to find out the और मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल का बहुत सारा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसा उनका डिफरेंट एप्टीट्यूड, वी मेजर द एप्टीट्यूड राइट फ्रॉम द पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, या उनका जो एटीट्यूड है, ये सब जो है वी नीड टू चेक. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वोंट बी अवेलेबल इन द एप्लीकेशंस. ओके, सो अस टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग दिस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स वी नीड टू डू द सिलेक्शन टेस्ट. ठीक है, so under selection test we are going to cover up some common test. actually bahut sara test hota hai usme commonly jo test follow kiya jata hai that I am going to explain here. okay, so here the first test is intelligence test. which is going to check your IQ level. okay, the second one is aptitude test. third one personality test. overall personality. and the fourth one is trait test. existing skills ka usko measure karega. then the fifth one is your interest test. जो भी जॉब में आप हैं वो जॉब में कितना इंटरेस्ट है आपका, कौन से एरिया में आपका लाइकिंग्स है वो जानने के लिए. लुक एट योर स्क्रीन, विल सी वन बाई वन. सी द फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट. इट इज इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इंडिकेट्स अ पर्सन्स एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स. लाइक जैसा आपका केस स्टडीज क्वेश्चंस जो 11th में आपने लिखा होगा, केस स्टडीज क्वेश्चन, उसमें क्या रहता है, आपको एज अ मैनेजर और आपको एज अ सुपरवाइजर कंसिडर करने बोलते हैं एंड एक सिचुएशन दे दिया जाता है एंड पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा उसमें डिसाइड करेंगे, आप बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप क्या डिसीजन लेंगे एक कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. या लाइक फॉर एग्जाम्पल सम कम्युनिकेशन इज देयर, वो कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है एंड उसमें कोई लैगिंग है तो वाई दैट हैपन्ड. ठीक है, तो ये सब जो है आप एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर और एज अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जाएगा कि आप वो सिचुएशन में क्या करेंगे. ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो सिचुएशन को पूरा स्टडी करके यू विल बी रेस्पॉन्डिंग एज पर द सिचुएशन एंड एज पर योर इंटेलिजेंस. ठीक है, वहाँ पे आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से आप वहाँ पे आंसर करेंगे, नॉट कि ऑल द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपका क्वेश्चन में आ रहा है वो सभी सिचुएशन जो है आप पढ़ के उसको याद करके नहीं लिख सकते हैं. सो समटाइम्स सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है, कैसा जजमेंट आप करने वाले हैं, कैसा डिसाइड करने वाले हैं, दैट हेल्प टू सी कि आपका इंटेलिजेंस लेवल या आपका IQ लेवल कितना है. ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन, व्हाट आई सेड, एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज लर्निंग द पोटेंशियल. ओके, सो इट मेजर्स इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स. इट इंडिकेट्स इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू डेवलप
और इट इज़ अ गुड इंडेक्स फॉर पर्सन्स फ्यूचर सक्सेस स्कोर. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट मेजर्स इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स. यहाँ पे लर्निंग न्यू स्किल्स, यहाँ पे आप यहाँ देख लीजिए, लर्निंग न्यू स्किल्स, नया कुछ सीखने का आपका कितना इंटरेस्ट है. ओके, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो यहाँ पे न्यू कुछ थिंग्स को सीखने के लिए हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग एंड हाउ मच यू आर लर्निंग, वो नॉलेज गेन करने के लिए या वो पता चलने के लिए दिस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पर्सनैलिटी टेस्ट. आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लाइक इट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस रिएक्शंस मैच्योरिटी वैल्यू सिस्टम. ठीक है, ये पर्सनालिटी टेस्ट से क्या पता चलता है, एक पर्सन का इमोशनल लेवल कैसा है, उसका रिएक्शंस कौन सा सिचुएशन में उसका रिएक्शन कैसा रहता है, देन मैच्योरिटी लेवल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वो कैसा है, देन वैल्यू सिस्टम व्हाट इज दिस वैल्यू सिस्टम, टोटली वैल्यू सिस्टम जो है फैमिली बैकग्राउंड एंड वो उसका जैसा जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है वो उससे उसका वैल्यू सिस्टम का पता चलता है. देन दिस टेस्ट एग्जामिन्स द ओवरऑल पर्सनालिटी हेंस आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट. ये पूरा का पूरा जो है डिजाइन करना डेवलप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट टेस्ट द ओवरऑल पर्सनालिटी. एक ओवरऑल पर्सनालिटी को जो है एक पर्टिकुलर छोटा सा टेस्ट से जो है हम डिसाइड करना या एक कंक्लूजन पे आना इज नॉट दैट सिंपल, बट एटलीस्ट सम इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाई फॉलोइंग दिस टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज ट्रेट टेस्ट. तो ट्रेड टेस्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग स्किल्स, इट विल सी व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग स्किल. ये टेस्ट से क्या पता चलता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपका जो भी एरिया ऑफ एजुकेशन है, जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसमें आप जो भी जॉब के लिए जा रहे हो वो पर्टिकुलर जॉब में आपका जो स्किल है वो कौन सा लेवल में है. ओके, नाउ सी योर स्क्रीन. Organization may measure the existing skills of an individual. It measures the knowledge or proficiencies in professional or technical areas. ठीक है, जो भी technical area में आप कहीं से भी अगर कोई diploma, कोई course कर रहे हैं या engineering कर रहे हैं या कोई भी course आपने किया हुआ है and for that particular course you are going for a job, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है ट्रेड टेस्ट देने बोलेंगे. दैट मीन्स व्हाट, आप जो भी फील्ड में जा रहे हो वो पर्टिकुलर फील्ड का वहाँ पे आपको टेस्ट देने बोलेंगे. ओके, सो फ्रॉम दैट लाइक फॉर एग्जांपल इफ टीचिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर टीचिंग, तो वहाँ पे आपको टीच करने बोलेंगे कि हाउ यू आर टीचिंग. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में जो है आप कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहे हो कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट के साथ वो पर्टिकुलर टॉपिक को जो है समझा पा रहे हैं कि नहीं, दैट टेस्ट विल बी टेकन. द सेम वे बहुत सारा और ट्रेड टेक्निकल एरियाज में जो है टेक्निकल, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप जा रहे हो तो आपको बैठा के प्रोग्राम दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट. सो आपको कंप्यूटर में सिस्टम में बैठ के आपको जो है उसका आंसर फाइंड आउट करना होगा. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज व्हाट द ट्रेड टेस्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट एक्चुअली मैनेजर में यूज इंटरेस्ट टेस्ट टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट. सो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का इन्वॉल्वमेंट या पोटेंशियल उसका कितना है ये जानने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है. सी डोंट गेट कन्फ्यूज कि व्हाट इज दिस इंटरेस्ट टेस्ट. एक्चुअली जब जॉब में कोई आ रहा है तो वेदर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज हैविंग इंटरेस्ट ओवर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट, वो जानने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है. क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट जो है हम किसी से काम नहीं ले पाएंगे. वॉट एवर टारगेट वी गिव या वॉट एवर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी वी असाइन, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो पर्टिकुलर काम को प्रॉपर वे में इंटरेस्ट के साथ कर रहा है कि नहीं, वो हमको नहीं पता होगा. अगर वो इंटरेस्ट के साथ कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल अचीव द गोल. अदरवाइज जस्ट वो एक ड्यूटी है, काम है, कुछ अर्न करना है इसलिए वो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो है उतना सक्सेसफुली वो टारगेट को जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ही वोंट फुलफिल इज ड्यूटी. ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द टेस्ट दैट वी हैव टू follow while doing the selection process. So this is the second step. So second step में क्या होता है, हम लोग ये सभी test conduct कर रहे हैं. अब ये सब test conduct कर लिए हैं, इसमें जो जो get through हो रहे हैं, so यहाँ पे जो pass हो गए हैं, ये test में pass हो गए हैं, तो then they will be taken for the employment interview. ठीक है, this is the third step, employment preliminary screen. First one selection test, second, third one employment interview. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, see we have taken all the tests.
ठीक है, तो हमको कुछ एरियाज जो है पता चल गया है. नाउ इंटरव्यू, इट इज अ फॉर्मल फेस टू फेस इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन विद द कैंडिडेट सो दैट वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट. क्यों? क्योंकि टेस्ट में जो है हम लोग इतना सारा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड कैसा है, कौन सा बैकग्राउंड से वो आ रहा है, देन उसका और भी बहुत सारा डिटेल्स जो फैमिली बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, देन उसका नेचर एक्सेट्रा, ये सब जानने के लिए जो है वी शुड कॉल देम फॉर इंटरव्यू. सो जब फ्रंट में बैठे रहेंगे उनका जो उनसे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन वी कम टू नो कि हाउ मोटिवेटेड द पर्सन इज, हाउ इंडिपेंडेंट दैट पर्सन इज, हाउ कॉन्फिडेंट दैट पर्सन इज, या जो भी पर्टिकुलर काम के लिए हम चुनने वाले हैं उसको वो पर्टिकुलर काम को करने के लिए उसके उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है या उसका जो भी सिचुएशंस है वो उसको हेल्प आउट करेगा कि नहीं, ये सब जो है हम लोग इंटरव्यू से जान सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल वेन वी आर डूइंग टेस्ट. ठीक है, टेस्ट करने से क्या है, वी कैन मेजर द इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. ठीक है, लेकिन इनडेप्थ या बैकग्राउंड जानने के लिए जो है फेस टू फेस जब हम लोगों का इंट्रैक्शन होते हैं या कन्वर्सेशन होते हैं तो वी कैन गेट मोर थिंग्स और वी कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट. ओके, सो इन द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पैनल मेंबर्स, बहुत सारे पैनल मेंबर्स रहेंगे, जैसे हमने बताया था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में HR मैनेजर या HR कमिटी, द सेम वे एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, इवन इन दैट इंटरव्यू ऑल्सो पैनल ऑफ मेंबर विल बी देयर. सो ये पैनल मेंबर में कौन कौन रहता है, जैसा डायरेक्टर रहेंगे वहाँ के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेंगे, एंड ट्रेड, जैसा वो पर्टिकुलर ट्रेड के लिए चुन रहे हैं तो द क्वेश्चंस वो पर्टिकुलर टॉपिक में रेज करने के लिए पर्टिकुलर फील्ड से भी पर्सन्स रहेंगे. सो देर मे बी 4-5 पर्सन्स जो कि जनरल नॉलेज भी उससे पूछेंगे, जनरली उससे कुछ जो भी जैसा कुछ पता चलना है तो वो भी पूछेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड भी पूछेंगे, कंपनी के बारे में भी पूछेंगे. सो ऐसा करके उससे बहुत सारे बातें करके जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, दे विल टेक आउट दैट इन्फॉर्मेशन. ओके, सो ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद, लाइक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में जो है आपने गेट थ्रू कर लिया है, ओके, यू आर सक्सीडेड. सो नेक्स्ट पॉइंट इज बैकग्राउंड एंड रेफरेंस. रेफरेंस चेक. What is this background and reference check? Actually, interview, employment interview के बाद भी जो है there are some other expectation of an organization. See, in addition to education qualification, skills आपका experience है, इसके अलावा भी जो है organization expects some other qualities like एक candidate का जो है balancing temperament कैसे है उसका, honest, how honest he is, उसका loyalty, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी होता है. So for the उसके जब पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, दे इफ़ दे आर आस्किंग कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, वॉट एवर ही प्लान्ड और वॉट एवर ही वो जैसा फील करते हैं वहाँ पे वो बताएगा, बट वी वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट है एक्चुअली वो बंदा कैसा है, वो जानने के लिए वी नीड टू डू द बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक. ओके, अब ये बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक हम लोग कैसे करेंगे, वी विल बी आस्किंग द कैंडिडेट्स टू गिव टू रेफरेंस. रेफरेंस ये रेफरेंस कहाँ किसका रहेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल टीचर या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, देन कोई नोन पीपल हो सकता है, कोई नोन पीपल या योर प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑल्सो कैन एक्ट एज अ योर कैन एक्ट एज योर रेफरेंस. ठीक है, सो फ्रॉम दीज पर्सन्स अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट यू फ्रॉम योर रेफरेंसेज. ओके, एंड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिस्फाई विद योर रेफरेंस, ओके, देन दे विल बी डिसाइडिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इट इज सिलेक्शन डिसीजन. ओके, सो अब क्या हुआ है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आपका कंप्लीट हुआ, आप सिलेक्शन टेस्ट दिए, सिलेक्शन टेस्ट में गेट थ्रू हुए, देन यू हैव फेस्ड द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इसमें भी गेट थ्रू होने के बाद बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक होगा, इसमें भी आपका अगर बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक में यू गॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट, देन सिलेक्शन डिसीजन विल बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड इन दिस सिलेक्शन डिसीजन डेफिनेटली द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द पीपल हु इज गोइंग टू एंगेज यू अंडर देम
them, they will be given more importance to select a candidate. क्योंकि आप उनके अंडर में काम करने वाले हो, like for example production manager, आप production unit में काम करने वाले हैं, तो production manager will be given much importance to select the candidate. ठीक है, तो his response will be, his or her response will be considered more, क्योंकि उनके अंडर में आप काम करने वाले हो, उनके as per their instruction you are going to do your work. So it will be decided, the final decision will be taken by the head of the department. Okay, so yahan pe aapka सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा. सो एज सून एज सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा तो यू वॉन्ट बी गिवन विद द जॉब. ओके, सो इसके बाद भी, सिलेक्शन डिसीजन के बाद यू विल बी आस्क्ड टू, यू विल बी रिक्वेस्टेड टू और यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फोर्थ फिफ्थ इज सिलेक्शन डिसीजन एंड सिक्स्थ इज योर मेडिकल एग्जामिनेशन. So you will be asked to get a certificate from medical that shows your fitness. ठीक है, so आजकल का जो है बहुत सारा जो भी like profitable और non profitable government, कोई भी organization है, big companies, small companies, whatever it may be, selection process में जो है this plays a main important role, because आप selection दायरे में आ गए हो, बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेकिंग के बाद जो है सिलेक्शन डिसीजन में आ गए, दैट मीन्स वॉट, आप दायरे के अंदर आ गए हैं, दैट मीन्स वॉट, नाउ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड बिफोर यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विल टेक ऑल द एफर्ट टू चेक यूर फिटनेस, क्योंकि आप ज्वाइन करने के बाद अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली इट विल लाइक उनका एक्सपेंसिस को बढ़ाएगा या डेफिनेटली इट विल समहाउ डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसलिए बिफोर दे सेलेक्ट यू और बिफोर दे अपॉइंट यू, दे विल बी आस्किंग फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम यू आफ्टर अटेंडिंग द क्राइटेरियाज. आफ्टर अटेंडिंग द क्राइटेरियाज यू हैव टू गेट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जॉब ऑफर. द सेवेंथ पॉइंट इज जॉब ऑफर. सो सिक्स पॉइंट के बाद आपने एम ई दैट इज मी मेडिकल एग्जामिनेशन, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो जॉब ऑफर आपको दिया जाएगा. क्योंकि जॉब ऑफर में फर्स्ट यू हैव टू बी गिवन विद अ जॉब ऑफर, एंड इन दैट पर्टिकुलर जॉब ऑफर सम डिटेल्स, नॉट ऑल द डिटेल्स बट सम डिटेल्स विल बी देयर, लाइक डेट ऑन विच द अपॉइंटी हैज टू रिपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन और बिफोर. एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा, उसमें आपको ऑन और बिफोर वो पर्टिकुलर डेट में आपको ज्वाइन करना होगा. बिकॉज इफ यू हैव चेंज योर माइंड नॉट टू ज्वाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट वेट कि आप जब तक आएंगे, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब ऑफर दे दिए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सो वो जानने के लिए कि वेदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन इन द organization or not, they will be giving a particular date. वो पर्टिकुलर डेट में आपको ज्वाइन करना होगा ऑन और बिफोर दैट पर्टिकुलर डेट. देन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है, देन डिटेल्स रिगार्डिंग द सैलरी वहाँ पे मेंशन रहेगा, देन एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड कुछ है तो वो भी वहाँ पे मेंशन रहेगा. एंड आफ्टर रिसीविंग दिस जॉब ऑफर, नाउ इट इज इन योर हैंड टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे आ रहा है कि जॉब ऑफर करने के बाद वाई अ कैंडिडेट विल बी थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग और नॉट टू ज्वाइन. हो सकता है कि इन बिटवीन में जो है उसको कहीं से और कुछ ऑफर आया हुआ है एंड वो उसमें ज्वाइन करने के लिए प्लान कर रहा है. हो सकता है इससे बेटर है, उसमें ज्वाइन करने के लिए वो प्लान कर रहा है. सो वॉट एवर इट मे बी, सो एज टू गेट अ क्लियर आइडिया फ्रॉम दैट पर्सन, एक जॉब ऑफर दिया जाएगा. एंड इफ ही एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, नेक्स्ट स्टेप, इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे. अदरवाइज वो जॉब ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो देन यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एट्थ स्टेप, इट इज द एट्थ स्टेप, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो हियर नाउ इफ यू हैव एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करने बोलेंगे, जहाँ पे सम डॉक्यूमेंट्स आर देयर दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन अ एम्प्लॉई एंड एन एम्प्लॉयर.
क्योंकि आप जॉब में ज्वाइन कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, नाउ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो आप एक एज अ पार्ट आप इसके बाद से आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में होना है वो ये पर्टिकुलर स्टेज में हो जाएगा, ताकि आप बाद में जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन से कोई इश्यूज ना रहे, कोई डिस्प्यूट ना रहे. ओके, सो व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज अटेस्टेशन फॉर्म. यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, दैट इज द फर्स्ट वन इज अटेस्टेशन फॉर्म. Which is very essential, and in this attestation form actually बहुत important matter जो कि बहुत authenticated matter या confidential matter जो है इस पर रहता है, and both has to execute this. Both यानी कि employee as well as the employer will be executing this attestation form. ठीक है, उसमें जो जो information रहता है वो information को आपको complete करना होगा. Then कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इन नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो द नेम इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली. ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या रहता है? आपका जॉब नेचर, ओके, स्टेटस, आपका जो भी जॉब स्टेटस है वो स्टेटस, देन ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, योर सैलरी, योर अलाउंसेस, योर लीव रूल्स, देन टर्मिनेशन. टर्मिनेशन आपका कभी टर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन होने हैं तो वो उसका क्या रूल्स है, देन ऐसे बहुत सारा रूल्स रहते हैं जो कि आपको उसको डिटेल्स में जाके आपको देखना होगा. देन इफ यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल दोज इन्फॉर्मेशन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन यू विल बी साइनिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट you will be joining in the organization. Okay students, so hope कि आपको ये पूरा का पूरा जो selection process है ये समझ में आ गया होगा. Once again see preliminary screening. So यहाँ पे first initial आपका application पहुँचा. Application पहुँचने के बाद application में जो जो faults है, like what I said स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, या मैंडेटरी कुछ आपने जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछा था वो आपने नहीं दिया है, तो इन दैट केस यू आर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड और इट विल बी एलिमिनेटेड. देन सिलेक्शन टेस्ट में जाएंगे आप. We have seen five different types of tests: intelligence test, which will check your IQ; aptitude test, that will check your ability to learn new skills; personality test, that overall personality आपका क्या है वो समझने के लिए; then trait test, that will check your existing skill. Now, what is the difference between aptitude test and trait test? Aptitude test will measure your न्यू लर्निंग स्किल. आप न्यू चीज़ों, नया चीज़ों को जो है आप कैसे लर्न कर रहे हो, आप कितने इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो चेक करने के लिए, वो मेजर करने के लिए. एंड ट्रेड टेस्ट इज एक्चुअली टू नो योर एग्जिस्टिंग स्किल, मतलब आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उसमें जो आपका जो स्किल्स बढ़ा हुआ है वो एग्जिस्टिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड. एंड आई सेड इंटरेस्ट टेस्ट, दैट इज आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो जानने के लिए. देन व्हाट आई टोल्ड, सिलेक्शन टेस्ट में आप गेट थ्रू हो जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू विल बी टेकन. फेस टू फेस इंटरव्यू होगा. सम पैनल ऑफ मेंबर्स विल बी देयर टू सिलेक्ट यू. देन बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर नहीं कर पाए, लाइक व्हाट आई टोल्ड, बहुत सारा और भी डिफरेंट एरियाज रहता है जिसका हमको हमें जानकारी चाहिए होता है. सो लाइक फॉर व्हाट आई सेड, हॉनेस्टी, लॉयल्टी, टेम्परामेंट, ये सब जो है जानने के लिए विल डिमांड फॉर सम रेफरेंसेस. ठीक है, लाइक किसी का मेल पूछ लिया, फोन नंबर पूछ लिए, हम लोग किसी का एड्रेस पूछ रहे हैं, लाइक यूजुअली दो एड्रेस पूछा जाता है. आई टोल्ड यू दो एड्रेस पूछा जाता है, तो उसमें रेफरेंस विल बी चेक्ड. देन वो क्लियर होने के बाद सिलेक्शन डिसीजन होता है. सिलेक्शन डिसीजन में द डिपार्टमेंट हेड विल बी टेकिंग द डिसीजन बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क अंडर द पर्सन. ओके, सो सिलेक्शन डिसीजन हो गया तो इमीडिएटली यू विल बी सेंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन. मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे पूछा जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट. फॉर दैट यू हैव टू डू द प्रोसेस. देन जॉब ऑफर, अगर आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यू आर मेडिकली फिट, देन यू विल बी गिवन विथ जॉब ऑफर. जॉब ऑफर में यू विल बी गिवन चांस टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट द जॉब. ओके, सो इफ यू आर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर, देन यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंने बताया था देर आर टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. वन इज अटेस्टेशन फॉर्म विच कंटेन्स योर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, सम अथेंटिकेटेड मैटर जो कि आपको वहाँ पे फुलफिल करना होगा. देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका टोटल डिटेल्स रहेगा, राइट फ्रॉम योर जॉब पोजिशन टू योर
लाइक टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना इसके बीच में जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब कुछ जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है आज का समझ में आया होगा. एंड स्टूडेंट्स, इन सिलेक्शन दैट इज दिस इज द what I told, this is the second aspect of staffing and this is very very important aspect of staffing, kyunki yahan pe ye selection process jo hai now it is a very famous and important area. ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आप ध्यान देंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.